जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। अजय सिंह, जिनका नाम अजय मतलब शत्रु इनका सामने नहीं रहता है, जिनका नाम ही अजय सिंह, भूतपूर्व छात्र नेता जिनका शुरुआत हुआ था एक छात्र नेता के, आज वर्तमान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, लेकिन आज उनका जन्मदिन युवा के लिए डेडिकेट था। आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा है। युवा का वह सोच होता है कि आदमी का उम्र जितना भी कम और बेसी हो, लेकिन अपना ब्रेन व सोच युवा जैसे होना चाहिए। आज भारत की युवा हमें लगता है कि विश्व में सबसे अधिक युवा है, और उस युवा को दिशा देना, भविष्य निर्धारण करना हम जैसे सभी को जरूरी है। अजय सिंह सिर्फ छात्र नेता नहीं है, सिर्फ राजनीति का बात नहीं करते हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और जो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह युवा जो आज के डेट में नशा में लिप्त होते जा रहे हैं। हमें खुशी होता है कि अजय सिंह वह बीड़ा को सक्सेस करें, क्योंकि आज के युवा किसी के बात नहीं सुनते। आज के युवा सिर्फ एक चीज़ समझते हैं कि मेरे मन में जो चीज़ चाहेगा उसको करना है, लेकिन आज के युवा वो नशा में लिप्त होते जा रहे हैं। और आज का जन्मदिन उस युवा के लिए कि जो नशा नहीं कर रहे। और बात करते हैं अजय सिंह से कि आज भारत की युवा, जमशेदपुर के युवा और पूरे झारखंड की युवा आपसे कुछ सबक ले, सीखे, समझे कि कैसे करके वो अपना भविष्य बनाए और अच्छा करे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ मीडिया के साथ ही बैठे हैं, दिलीप जी बैठे हैं, करीब हमको 25-30 वर्षों से जानते हैं, भोला बाबू बैठे हैं, बड़ी दबंग मित्र हैं हमारे साथ में, जो हमारे जानते हैं, ये लोग बचपन से हमको जानते हैं। यहाँ पर बैठे हुए आपका रणविजय जी हैं, ये लोग हमको बहुत बड़ी जी, ये करीब करीब 20-30 साल से जानते हैं। मैंने अपने जीवन में रिश्वत नहीं लिया, चंदा भी नहीं लिया, कभी हमने रिश्वत नहीं लिया, चंदा नहीं लिया, पान बीड़ी सिगरेट नशा नहीं किया। इसलिए मंच पर डंके की चोट पर दहार के बोलते हैं नौजवानों के बीच में कि उनके साथ में रिलेशन हो, हम बोले कि स्वस्थ छवि और स्वच्छ मन से ही आप जीवन का निर्माण करके लंबी दूरी की पारी खेल सकते हैं। 7 वर्ष से युवा साथी मेरे जन्मदिन को युवा शक्ति दिवस के तौर पर मनाते हैं। 1-2 साल जैसे भी आयोजन हो जाए, 7 वर्ष में लगातार नौजवानों का कनेक्शन मेरे साथ रहा। मुझे इस बात की दुख हुई कि अगर हमारे साथ हजारों नौजवान जुड़ते हैं, उसमें 500 से 700 लड़के नशे के शिकार हो रहे हैं। हर कोई पेरेंट्स जानता है कि जमशेदपुर में नशा किस कदर में बैठा हुआ है, सारे माँ बाप दुखी हैं, और उन नौजवानों को बुला करके आप एक साथ मंच पर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठाते हैं और ये कहते हैं कि भैया हम आपको तेल का पैसा नहीं देंगे, हम आपको खाने पर नहीं बुलाए हैं, और हम किसी कलाकार को डांस पर नहीं बुलाते हैं, चूँकि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर हजारों आदमी को बुला करके और युवा शक्ति दिवस के नाम पर आप भीड़, कोई कलाकार के नाम पर भीड़ जुटा सकते हैं, भोजन के नाम पर आप भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1-to-1 विचार के नाम पर भीड़ लोगों को जुटाते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता देखिए, आज यहाँ पर हमारे केशव महतो कमलेश जी हैं, रविंदर सिंह जी हैं, शहजादा अनवर जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, राजा बाबू हैं, भाई शैलेंद्र जी हैं, अमरेंद्र जी हैं, ऐसे वरिष्ठ सारे नेता आज हमारे युवा शक्ति दिवस जो हमारा जन्मदिन पर आके जो ताकत देते हैं, मनोबल देते हैं, आज कांग्रेस पार्टी के नेता के हैसियत से आज हमारे साथ इतने लड़के थे, आप लोगों के सामने हाथ उठा के बोले कि भैया जिस दल में जहां भैया हैं वहीं पर सारे साथी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं।
ये बहुत बड़ी बात है कि मंच पर आपके सामने ये कह रहा है कि पूरा डंके की चोट पर जहाँ भैया है वहीं साथ है, चार घंटा सर बैठ करके आपकी बात सुन रहा है, मंच पर बैठ रहा है। जब हम घर से रैली निकाले तो उस समय करीब 1500-2000 मोटरसाइकिल थी, लेकिन धीरे 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 चूंकि हमारा कार्यक्रम 12-1 बजे का था और हमारे गेस्ट को आते आते करीब करीब 2 से 3 बज गया, तो करीब 2-3 घंटा पानी को बांधना और यंग जनरेशन को बांधना बड़ा कठिन होता है। बगैर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को खाली भाषण पर विचार पर बांधना बड़ी कठिन होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवानों को, मैं चाहता हूँ जिसका वर्तमान है उसी का भविष्य है। अगर हम 22-24 साल का नौजवान के साथ आज राजनीति कर रहे हैं, रविंदर भाई 22-24 साल के साथ आज राजनीति कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आने वाला 10 से 15 साल तक खूंटागार के शहर में हम ही राजनीति करेंगे। जो हमसे साथ मिलकर रहेंगे वो विधानसभा जाएंगे, जो नहीं मिलकर रहेंगे उनको हम गांव का ट्रेन धराएंगे, ये निश्चित है क्योंकि हमें उतना दम है। इतना जोश, उतना उमंग और सबसे बड़ी चीज़ को उतना कॉन्फिडेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि युवा सम्राट अजय सिंह है। आज भी इनका एक आवाज़ में चाहे JKS कॉलेज हो, चाहे वर्कर्स कॉलेज हो, चाहे कोपटी कॉलेज हो, चाहे जैन कॉलेज हो, आज वुमेंस भी सभी कॉलेज के स्टूडेंट इस दिन का इंतजार करते हैं कि अजय सिंह जी का जन्मदिन मनाना है। और हमें विश्वास है कि यह युवा सोचे समझे फिर कार्य करे, एक उद्योगपति में सक्सेसफुल, एक राजनीतिक में सक्सेसफुल। अब युवा चाह रहे हैं कि आपको विधायक, संसद और झारखंड की राजनीतिक में, कोर राजनीतिक में आने की, आप इसके लिए कितना तैयार हैं? सबसे बड़ी बात है, हम लोग पार्टी के ईमानदार सिपाही हैं, कांग्रेस के विचारधारे पर राजनीति करते हैं और पार्टी के सिपाही को पार्टी जिस मैदान में लगा देती है, लड़ा देती है, वहीं से मिशन कामयाब करके देता है। अगर पार्टी चुनाव के टिकट देती है तो सीट उसको हाथ में देंगे, अगर पार्टी कहती है कि किसी नेता का समर्थन करना है और उसको जिता के भेजना है तो उसको जिता के भेजेंगे। क्योंकि जब आप संगठन की राजनीति करते हैं तो संगठन के आदेश और संगठन के डिसिप्लिन में रह के हम लोग राजनीति करते हैं। आज हमारे सारे बड़े नेता इसलिए हमारे मजबूती के लिए आते हैं ताकि संगठन मजबूत हो हमारे माध्यम से। तो हम भी ये प्रतिज्ञा लेते हैं ना कि कभी इंडिविजुअल राज टीम के लिए यानी पार्टी के लिए राजनीति करना है। पार्टी के लिए राज आप भी देखते हैं कि भगवान की कृपा से आज किसी MP MLA से हमारा शहर में रुतबा कम नहीं है। भोला बाबू 30 साल से ज़्यादा जानते हैं, ये बहुत दबंग आदमी है, शहर का छोटा मोटा आदमी नहीं है भोला सिंह। और यहाँ बैठे हुए क्या बे दिलीप किधर हो, किसी विधायक से रुतबा कम नहीं है सर। अगर किसी विधायक के बात अगर SPDC मानेंगे तो मेरा भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम भी गलत पैर भी नहीं करते हैं। मर्डर केस में विधायक भी नहीं छोड़ाएंगे, टाटा कंपनी में वो भी नौकरी नहीं देंगे, हम भी नहीं छोड़ाएंगे। छोटा मोटा लप्पर झप्पर का वो भी पर भी कर देते हैं, हम भी कर लेते हैं, इसीलिए रुतबा किसी मामले में कमजोर नहीं है। देखिए युवा, कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन युवा को छोड़ना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि युवा तभी युवा रहेगा जब आपका मन, आपका दिमाग और आपका शरीर युवा जैसे एक्टिव रहेगा। और हम चाहते हैं कि युवा उस नशा में नहीं जाए। सोचिए उस परिवार के बारे में, सोचिए उस पिता के बारे में, सोचिए उस भाई के बारे में कि जिसका जवान बेटा नशा के दलदल में फंस जाता है, और उस घर का क्या हाल होता है इसका बात बताने की बात नहीं है। और अजय सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से नहीं, ये निजी इनका सोच है कि मैं नशा से मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। और एक तो बहाना है कि जन्मदिन, लेकिन या जन्मदिन उस युवा के लिए कि आप युवा नशा छोड़ के देश में तरक्की करें और अजय सिंह जैसे लाख अजय सिंह पैदा करें और देश का, राज्य का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।